साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि नहीं तो आपने यूट्यूब की स्ट्रीम में आज तक सुना है और नहीं आगे मुझे नहीं लगता सुन भी पाओगे वीडियो के माध्यम से। हालांकि ये वीडियो टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नए बंदे दुबई जाते हैं या विजिट में जाते हैं, कुछ लोग उनको लालच दे देते हैं। और कौन होते हैं? गोल्ड जो तस्करी का काम करते हैं। आपको इतना नहीं पता, आम आदमी को आपको तो इतना ही बोला है कि भाई मैं तेरा टिकट का इंतजाम करता हूँ, आप तो दुबई जा, दुबई से कुछ सामान लेके आना है। नए बंदे होते हैं, उनको पता नहीं होता, और हो सकता है कुछ जानबूझ के भी करते हैं मोटा पैसा कमाने के चक्कर में। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब आदमी अपनी औकात से ज़्यादा गिर चुका होता है, और बंदा इतना गिर जाता है कि आप सोच नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ हमारे राजस्थान जयपुर एयरपोर्ट के रिलेटेड, क्योंकि गल्फ से रिलेटेड हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रहते हैं। स्टोरी सुनिए, 2 दिन पहले का है। बाकायदा कटिंग डालूंगा, अखबार की कटिंग साथ में अटैच करूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। जयपुर एयरपोर्ट पे 34 दिन में तस्करी का तीसरा केस, 44 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। अब ये बोलोगे यार ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, लेकिन आगे सुनिए, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वर्ड भी इतने गंदे हैं कि मैं यूज नहीं ले सकता, इतने शर्म आने की बात है। वीडियो पूरा देखते रहिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि विदेश से रिलेटेड सही जानकारी आपको मिलती रहे। इसमें सुनिए, जयपुर एयरपोर्ट पे कस्टम ने बैंकॉक दुबई से, बैंकॉक की बात है, एक बैंकॉक का बंदा था एक दुबई का बंदा था, आए दोनों युवकों से 44 लाख रुपए का सोना पकड़ा गया। और सोना रेक्टम, रेक्टम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? पिछवाड़ा। ये वर्ड इतना गंदा है कि क्या करें, बोलना पड़ता है। पिछवाड़े में सोना छुपाकर तस्करी कर रहे थे। अब कैसे छुपाया वो भी आगे जान लीजिए। पहला केस, मंगलवार रात बैंकॉक से आई एयर एशिया उड़ान के यात्री मोहम्मद बिलाल की तलाशी ली गई, जिसके गुदा में यानी पिछवाड़े में 2 कैप्सूल मिले, जिसमें 600 ग्राम सोना, यार 600 ग्राम यानी 586 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए। अफसोस की बात है, पिछवाड़े में 25 लाख रुपए का सोना दबा लिया। अब ऐसी कमाई किस काम की यार। दूसरा केस सुन लीजिए, बुधवार तड़के दुबई से एयर इंडिया उड़ान में आए केरल के मोहम्मद अब्दुल नजीर की तलाशी ली, जिसकी गुदा में 20 लाख रुपए की कीमत के 435 ग्राम से ज़्यादा के 2 कैप्सूल मिले। कैप्सूल मतलब सोने के कैप्सूल। अब छिपाया कैसे ये सुन लीजिए कि उन्होंने किस तरह से छिपाया। इस सोने को उन्होंने पिघलाया, पिघला के प्लेट बनाई, पतली पतली प्लेट बन जाती है सोने की, ठीक है, पिघलाने के बाद कैप्सूल बना के रेक्टम में रखी यानी पिछवाड़े में दबा ली। ये मान लीजिए खाया पिया कुछ नहीं, अगर खाते पीते तो भाई उसका फिर लेटिंग बन जाता, समझ रहे हो। आपको पहले कब, 10 जनवरी को उत्तरी कोरिया के विवेक से 4.5 किलो, 4 फरवरी को दुबई से आई फ्लाइट में महिला रेक्टम 310 ग्राम सोना मिला था, यानी पहले भी मिला था 10 जनवरी को और 4 फरवरी को। महिलाएं भी ये काम करती हैं यार, पिछवाड़े में सोना दबा के सोने की तस्करी करना, कितना यार। अगर उनके परिवार में रिश्तेदारों में पता चलेगा, पता तो चली गया, मुकदमा होता है, केस होता है, पूरा सोना जब्त हो जाता है, फिर आगे प्रोसेस चलता रहता है, FIR होती है, क्या मतलब है यार, इतनी गंदी कमाई का क्या करोगे भाई। ये वीडियो डालने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसका पता भी लगे, और आप भी चीज़ों से थोड़ा ध्यान रखो। कोई आदमी अगर आपको लालच देता है तो यार, पिछवाड़े में सोना दबा लिया 20-20 लाख रुपए का, अफसोस की बात है ना, कितनी गंदी बात है। तो भाई ये वीडियो, कितना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इंडिया में गोल्ड 40 के करीब है, वहाँ 36-35 के करीब है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 2-4 लाख के चक्कर में है ना लोग अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। और आपको पता नहीं है आजकल एयरपोर्ट पे इतने भयंकर स्कैनर आ गए नई टेक्नोलॉजी के, कि वो बंदे की पूरी बॉडी छान लेते हैं अंदर से, कुछ भी इतना धागा सा भी है ना उसको भी स्कैन में आ जाता है कि इसके पेट में धागा है। तो फिर ये कैसे सोच लिया उन्होंने कि पिछवाड़े में गोल्ड दबाने से अपना पता नहीं लगेगा, वो स्कैनर में आएगा नहीं, वो स्कैनिंग में आ गया। जैसे बंदे निकलते हैं स्कैनिंग से निकलना होता है, तो स्कैनिंग में दिखा दिया कि इसके कुछ में चीज़ है। उनको हॉस्पिटल ले जाके, दोनों को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से फिर उनको डॉक्टरों के द्वारा वो गोल्ड निकाला गया, कितनी गंदी बात है यार। तो प्लीज़ आपको साथ भी अगर कोई ऐसा कोई लालच देने की कोशिश करे तो भाई ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, अपने कोई जिद की कमाई करनी है, ठीक है। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए था। इससे पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, एक चैनल, सेकंड चैनल मैंने बनाया है कानून के लिए, लीगल एडवाइज़र, लीगल एडवाइज हेल्प, यानी कानून से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं सेकेंड वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो प्लीज़ जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, उसको जाके लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज़ नए टॉपिक पर सही जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।